एक बार एक बुद्ध के पास उसका एक शिष्य अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं तो कभी अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं कि मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। यह एक विचार से शुरू होता है, फिर दूसरा विचार, फिर दूसरा विचार, और इसी तरह लंबे समय के बाद जब मेरा ध्यान वापस आता है तो मैं सोचता हूं कि मैं जो कर रहा था उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मैं बहुत कोशिश करता हूं विचारों से पीछा छुड़ाने की, पर कभी सफल नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है मैं पागल हो रहा हूं। बुद्ध, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं इन विचारों को अपने दिमाग से कैसे निकालूं। मैं अपने दिमाग से सभी बेकार के विचार को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता हूं। मैं अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता हूं। जब मैं नहीं चाहता तो मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा कि जाओ और अलग-अलग आकार के एक मटके में पत्थर भरकर ले आओ। शिष्य ने अपने गुरु के निर्देश का पालन किया और एक मटके में विभिन्न आकार के पत्थर ले आया। बुद्ध ने कहा कि अपने मन को मटका समझो और अपने मन में चिंता को मटके में भरे हुए पत्थर समझो। अब इस मटके में और पत्थरों को भरने का प्रयास करो। गुरुदेव की बात सुनकर शिष्य मटके में और पत्थर भरने लगा। मटका पहले से भरा होने के कारण दो चार पत्थर भरते ही मटके से पत्थर बाहर गिरने लगे। यह देखकर बुद्ध ने कहा, अभी रुक जाओ, तुम ध्यान से देखो, क्योंकि यह मटका पहले से ही बड़ी मात्रा में पत्थरों से भरा हुआ है। यहाँ कोई नया पत्थर नहीं भरा जा रहा है। अगर यहाँ कोई नया पत्थर भरना हो तो सबसे पहले इस मटके से पत्थरों को बाहर निकालना चाहिए और फिर मटके में नए पत्थर भरे जाएंगे। बुद्ध के बोलने से पहले शिष्य ने कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मन लगाकर मेरी पूरी बात सुनो। हमारा मन इस मटके का बिल्कुल विपरीत है। यह मटका पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन हमारा मन कभी नहीं भरा जा सकता। जितने अधिक विचार यहाँ आते रहेंगे, उतने ही अधिक विचारों के आने की जगह होगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम करो, इस मटके से सारे पत्थर हटा दो और मटका खाली कर दो। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। उसने एक-एक करके मटके से सारे पत्थर हटा दिए और मटका पूरी तरह से खाली कर दिया। बुद्ध ने कहा कि अब तुम इस मटके को एक पत्थर से भर दो और उसी मटके से दो पत्थर निकालो। यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया और बुद्ध को बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध, अगर मैं इस मटके में एक पत्थर भर दूं, तो इस मटके से दो पत्थर निकालना कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस मटके में पांच पत्थर रख दो और 10 पत्थर निकालो। शिष्य ने बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यह कोई चमत्कारी मटकी नहीं है। जो एक पत्थर भर कर दो पत्थर निकाल सकता हूँ और पांच पत्थर भर कर 10 पत्थर निकाल सकता हूँ। यहाँ जितने पत्थर भरे जा सकते हैं, उतने ही पत्थर निकाले जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आप सही कह रहे हैं, यह कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है, लेकिन आपका मन इस मटके के विपरीत है, आपका दिमाग चमत्कारी है। शिष्य ने कहा, कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने कहा कि अब मैं जो कह रहा हूं
उसे बहुत ध्यान से सुनो और गौर करो कि जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है और आप उसे अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो इससे संबंधित और भी कई विचार आपके दिमाग में आते हैं। फिर जब आप उन चार विचारों को खत्म करने जाते हैं, तो आपके दिमाग में 10 नए विचार और आ जाते हैं। आप एक के बाद एक विचार पकड़ने की कोशिश करते हैं और तुरंत 10 नए विचार आपके पास आ जाते हैं। आप एक एक करके मटके से पत्थर निकाल कर खाली कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से लड़कर और अपने दिमाग से सभी विचारों को निकाल कर अपने दिमाग को कभी खाली नहीं कर सकते। सब कुछ सुनकर शिष्य निराश हो गया और कहा कि मैंने आपकी कही हर बात समझ ली, अर्थात आपके कहने के अनुसार हम चाहकर भी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि इस समस्या का समाधान नहीं है? लेकिन गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है, तो यह बड़ी समस्या जो केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग लगातार अनुभव कर रहे हैं, क्या वास्तव में इसका कोई समाधान नहीं है? बुद्ध ने कहा, अवश्य है। सबसे पहले तुम एक काम करो, पहले तुम इस आधे मटके को पत्थर से भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा कि इस मटके में किसी भी एक पत्थर से मेरे लिए एक छोटी सी सुंदर मूर्ति बना दो। मैं जानता हूँ कि तुम सुंदर मूर्तियां बना सकते हो। अपना काम दिखाओ और इस मटके से कोई भी एक पत्थर से मेरे लिए एक मूर्ति बनाओ। शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। बुद्ध ने उसे वह कार्य करने की अनुमति दी जिसमें वह निपुण था। किसी भी हाल में सबके सामने अपना मान सम्मान रखना होगा। सबसे अच्छा होगा मटके से एक पत्थर लेकर सबसे अच्छी मूर्ति बनाकर बुद्ध को भेंट करना। यह सब सोचते हुए उसने गड़े से एक पत्थर निकाला, लेकिन उस पत्थर को देख उसे इतनी संतुष्टि नहीं हुई। उसे लगा कि इस पत्थर से मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती। उसने क्या किया कि उस पत्थर को मटकी के पास रख दिया और दूसरा पत्थर निकाल लिया। इस बार उसे इस पत्थर का आकार पसंद नहीं आया। उसने उसे भी मटकी के पास रख दिया और तीसरा पत्थर निकाला। उसे वह भी पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह पत्थर का रंग गुरुदेव की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, और फिर उसने उस पत्थर को भी मटकी के पास रख दिया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे यह भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने मटकी के सारे पत्थर एक एक करके बाहर निकाले, क्योंकि उनका विचार कि यदि मटके में कोई अच्छा पत्थर मिल जाए तो गुरुदेव के लिए एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। अब वह उलझन में पड़ गया। उसने यह सोचा कि पत्थर की एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो गुरुदेव को अच्छी लगे। बुद्ध बहुत देर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने शिष्य के पास आके कहा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर रहा हूँ। कलश में से जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था, उसी पत्थर को लो। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारे पास केवल यही एक पत्थर है और कोई पत्थर नहीं है। अगर तुमको मूर्ति बनानी है तो तुमको इस पत्थर से ही मूर्ति बनानी होगी। अब तुम इस पत्थर से एक मूर्ति बनाओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने उसे बताया, और देखते ही देखते उसने उस पत्थर से एक बहुत सी सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अच्छी मूर्ति है। उसने वह मूर्ति बुद्ध को भेंट की और कहा कि गुरुदेव, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। मूर्ति को देखकर बुद्ध बहुत खुश हुए और कहा कि जब हमारे पास एक से अधिक दूसरा विकल्प नहीं होता, तो हम इसे सफल बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं,
और अगर और भी ज्यादा विकल्प है तो हम पत्थर की और भी ज्यादा विकल्प है तो हम पत्थर ही चुनते रहते हैं और कभी भी मूर्तियां नहीं बनती। हमारे मन में एक विचार के पीछे हजारों विचार खड़े होते हैं और हम अलग अलग विचारों के बीच भटकते रहते हैं बिना उस विचार पर ध्यान दिए जिस पर हमें अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की आवश्यकता है। कभी मैं सोचता हूँ कि यह विचार अच्छा है, कभी मैं सोचता हूँ कि वो विचार बुरा है, कभी मैं सोचता हूँ यह विचार को हटा देना चाहिए, और इन सभी 7-5 के बारे में सोचते हुए हम उस मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा कि यदि आप अपने मन में व्यर्थ के विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे छुटकारा पाने का प्रयास छोड़ दें, मन के भ्रम में न पड़े और यह सोचते हुए अपने मन को किसी एक कार्य पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप जो कर रहे हैं वह मेरा ही कार्य है और इस समय मेरे आसपास कोई अन्य कार्य नहीं है, मुझे जो करना है वह मुझे अभी करना है, फिर मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उस काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाएं। तब आप देखेंगे कि आपके मन में चल रहे हजार विचार कपूर की तरह उड़ जाते हैं। हालांकि मन के इस भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई दिनों के अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है और लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग करने के लिए सबसे पहले उन्हें दूर करने की कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय केवल उस काम को करने पर ध्यान दें जिसे करने की जरूरत है। ज्यादा चिंताओं से छुटकारा पाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद।